जबलपुर हाई कोर्ट में अधिवक्ता अनुराग साहू के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना से बड़वानी अधिवक्ता संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन कर एक दिन की हड़ताल कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर बड़वानी अधिवक्ता संघ द्वारा जबलपुर में अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर प्रशासन के द्वारा की गई आक्रामक कार्रवाई के बाद अधिवक्ता अनुराग साहू की मृत्यु के बाद प्रदेश सहित बड़वानी अधिवक्ता संघ द्वारा घटना का विरोध में एक दिन की हड़ताल कर अधिवक्ताओं पर आक्रामक कार्रवाई के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़वानी बार एसोसिएशन के अधिकांश अधिवक्ता जन मौजूद थे। मैं सोनलाल पाटीदार एडवोकेट, बड़वानी विभाषक संघ का अध्यक्ष। आज हम बड़वानी कलेक्टर ऑफिस में एक ज्ञापन देने आए हैं। कल एक बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई जबलपुर में। हमारे अधिवक्ता साथी जो है अनुराग साहू के साथ में जो है न्यायमूर्ति के द्वारा एवं प्रशासन के द्वारा अत्याचार किए गए और अभद्रतापूर्ण व्यवहार करके उनके साथ जो सलूक किया गया था जिससे उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसकी तारतम्य में हमारे स्टेट बार काउंसिल के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में यह आह्वान किया गया कि सभी वकील जो है आज के दिनांक 1/10/2022 को अपने कार्य से विरत रहेंगे। उसी आह्वान में आज हम यहाँ कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देने आए हैं और हम भी उसका विरोध करते हैं। एक दिवसीय कार्य के लिए हमने भी आज जो है कार्य से विरत रहने की घोषणा की।